सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये से रूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन इंटरनेशनल मार्केट में तो $1,560 के ऊपर निकल चुकी है, और अब मार्केट में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि अब सोयाबीन की जो कीमतें हैं वो $15 प्रति बुशल हो सकती हैं। रूपा जी, देख रहे हैं कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी सूखे के हालात हैं, उत्पादन अनुमान बहुत सारी एजेंसियों ने घटा दिया है, और अब जो उत्पादन अनुमान घटाया है उसमें भी अब कटौती की जा रही है एक के बाद एक लगातार। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सोयाबीन की कीमतों में भी यहाँ से अब उछाल देखने को मिल सकता है? देखिए, फंडामेंटल तो काफी सपोर्टिव है और कीमतों में उछाल जो है एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, लेकिन इलेक्शन के चलते अभी जो प्राइजेस हैं वो काफी एक रेंज में देखने को मिल रहे हैं। तो आप मान के चलिए, देखिए ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है इस कमोडिटी के, लेकिन बाजार अभी रुका हुआ है। तो अभी एक हो सकता है कि एक डेढ़ महीना आपको यही ट्रेंड देखने को मिले, उसके बाद बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट इसमें सोयाबीन के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि विदेशी बाजार भी काफी अच्छी खासी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रोडक्शन भी जिस तरीके से घटता जा रहा है उसका भी एक असर आने वाले दिनों में कीमतों पर देखने को मिल सकता है। तो सोयाबीन के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर हम प्रोस्पेक्टिव देखें तो बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।